रोहतक में कोरोना का जंग लड़ रहे हैं भाई। यो वेंटिलेटर है अपना, ये यो वेंटिलेटर है भाई, ये ठीक है, देख लियो आड़ा काऊ है, ये ऑक्सीजन लाग रही है भाई, ये ऑक्सीजन लाग रही है। और ये अपनी फैसिलिटी 14 दिन में ईब सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति धो रही है, कोरोना की लाश फूक लियो मोदी है तेरे, और दे दो चंदा, राम मंदिर का दौरा फूक लियो लाश, 10-10 हजार में लाश फूक लाग रही है। तो इसलिए कुंभ भाई जिंदा रह गए, तड़क का पता नहीं है, उस सिचुएशन से गुजरे हाँ, लेकिन भगवान ने बचा लिए, अपना गांव में जाके मल्ला कराएंगे, ज्यादा नहीं बोलिया जिंदा। वेंटिलेटर की कमी, ऑक्सीजन की कमी, देखो ये आपको मैं हकीकत बता रहा हूँ, सुबह सुबह 7:30 बजे की 26 तारीख की दिखाना नहीं चाहवा थे, सरकार की कोई फैसिलिटी नहीं है, अपने भरोसा है, अपनी जान बचाओ, अपने परिवार के साथ बचाओ, आपकी जान बहुत कीमती है अपने परिवार के लिए। तो ये चंदा गैंग इकट्ठी हो गया ही भाई, चंदा गैंग किसान भाई भी अपना ध्यान दो, कति बिल्कुल बहुत ध्यान दें, लाशा ने फूक करना जगह नहीं पा रही भाई, इसका लाग रही है संसद भवन बनवा दे, 70 साल के मेडिकल काम आ रहे हैं जो पहले अपने देश आज इस देश में, और कहते हैं हमने यो कराया यो कराया, हकीकत अंदर जाकर देखो जिसके साथ बनी है। मैं तो इस मोदी को हत्यारा कहूंगा, देश का ऑक्सीजन नहीं है, हैं यहाँ खुद PGI रोहतक में डॉक्टरों को खुद ऑक्सीजन नहीं मिला, मास्क नहीं मिला, टाइम पर उन्होंने दम तोड़ दिया जिन्होंने 20-20 साल सेवा करी। तो आप अंदाजा लगा लो इस सरकार का भयामक रूप कितना खतरनाक है भाई, ज्यादा नहीं बोलिया जंदा, वो करी है। और पेज पे गेरूंगा भाई, इसने देख लियो आज से लागे तो पचा दियो, ICU की है या मोटर ICU रोहतक की वीडियो है, नेटवर्क नहीं है, तो बिल्कुल डॉक्टर है बेचारे, कई मरीज के ऊपर एक डॉक्टर है, नीचे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी है बहुत ध्यान रख रहे हैं, छोटे पानी पेशाब और जितना भी होगा उन पर बेचारा भाई। लेकिन ये राम मंदिर द्वारा फूक लियो लास्ट 10-10 हजार में, 10-10 हजार में राम मंदिर संसद भवन बनने लग रहा, अरे देश को ऑक्सीजन की जरूरत है, बेड की जरूरत है, अस्पताल की जरूरत है, और आज भी अपनी राजनीति चमकान लाग रहा है, हैं एक केजरीवाल ने ऑक्सीजन मांगी हैं, और फिर भी माफी भी मांग ली, ये वो अपनी राजनीति, हे देश के मेरे सबसे बड़े हत्यारे मोदी, तुझे भी इसी जगह जाना है, परमात्मा का ज्ञान देनी है, कम से कम देश के बारे में अब तो सोच ले, वो किसान देख ले बेचारे और हैं। तो भाई ज्यादा बात नहीं कहूंगा, इसने पेज पर गेरूंगा, अच्छी लागे शेयर कर दियो, लास्ट स्टेज हो सके है, तड़का जिंदा पावा ना पावा, देश का सबसे बड़ा हत्यारा है तो मोदी है, नरेंद्र मोदी, क्योंकि मजहब कुछ नहीं है भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आड़े सब बराबर हैं भाई, हिंदू भी बहुत सहायता करने लाग रहे हैं, मुसलमान भी जो भी हैं, लेकिन कुछ गंदे टच्चे गड़वे अंधभगत साले कुत्ते गाल देऊंगा उन आज मैं, क्योंकि मैं मौत जिंदगी के बीच जूझ रहा हूँ, मैं अपनी हकीकत से बता रहा हूँ, मैं नहीं पूरा देश जूझ रहा है, हैं अपना भाई सब जो सहायता कर रहा ना वो भाई है, चाहे वो अपना हिंदू है चाहे मुसलमान है, जो समय पर काम आ गया ना वो भाई है, कोई मजहब नहीं है। यहाँ 25 लाशें देख चुका हूँ, रोज लाश ले जाए मेरे बराबर में, कल बल्कि एक गुड़िया थी अनमेरिड थी बेचारी, मेरी ये बाथरूम के लिए चप्पल मांग कर लेकर गई थी, 5 मिनट में दम तोड़ दिया, बड़ी आत्मा खाली मानना है भाई, हैं या हो सका है पहुँचा दियो भाई उन मोदी अंधभक्ता थी भी भाई, अंधभक्ति उतर लियो ना, उधर राम मंदिर का गौ कर दियो, जो सब सब तबो बना दिया, अकि हिंदू हिंदू आम हिंदू सब बराबर है, सबका खून एक है, याड़ा अगर कोई किसी का वो नहीं है, चलता तो है मोदी, हम न कौन चंदी राजनीति, ना इन किसाना ने चंदी, ना इन बीमारा ने चंदी, ना इन ऑक्सीजन सिलेंडर आला ने चंदी, इनको समय पर वो करवा दो, मैंने ये कर दिया, एम्स कर दिया, वो कर दिया, हैं कहते हैं मौत का सौदागर है तू, मौत का तेरा भी हिसाब होगा एक दिन, इस भगवान का घर सब ने जान देनी है, तेरा भी एक दिन हिसाब होगा,
तब पता चलेगा तुझे क्या हुआ हकीकत। तू लोगों की नफरत बन चुका है, इतनी नफरत बन चुका है। और इस महामारी में कई सरकारें 5,000 रजिस्टर्ड मजदूरों को दे रही है, और तू सरकारी कर्मचारियों का भी 4,000 DA की किस्त खा गया। क्या करें, अपने बच्चे पाले ना पाले, लाश 10,000 में लाश पुके हैं। अब क्या करेगा, संसद भवन इतने करोड़ रुपये लगा दिया, देश पर लगाओ 70 साल के हॉस्पिटल आज काम आ रहे हैं। मैं तो ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, देश के बारे में सोच लियो मोदी जी। जो आपकी लोकप्रियता थी ना 100% से 10% है, एक दिन खत्म हो जाओगे, इस जान से चले जाओगे। अगर अच्छा करोगे दुनिया याद रखेगी। इस महामारी में देश को बचा लो। मैं फिर भी आपको देश का टहरा ही कहूंगा, इस समय आप राजनीति में मकसूल हो, ये हो लोगों को बकाने समझाने में। तो भाई सारे भाइया ने राम राम, जय हिंद। ICU मॉडल रोहतक में हूँ, लास्ट स्टेज से निकल के परमात्मा ने जान दे दी, दोबारा बकस दी है, भला कराएं जो कोई भी किससे भी जात का हो मेरा भाई। राम राम भाई, जय हिंद।